बर्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। दमोह जिले में आज फिर अब तक का सबसे बड़ा कोरोना धमाका हुआ है। आज दमोह में इस प्रकार पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिसमें फुटेजा वार्ड नंबर 2 दमोह से 1, बाजार नंबर 2 दमोह से 1, वार्ड नंबर 1 से सिविल लाइन 1 से 1, तमरियाई से 2, अमाता से 1, पथरिया से 3, दमोह से 2, रतन मजरिया हटा से 1 मरीज, सिविल वार्ड 2 दमोह से 1, बजरिया वार्ड नंबर 7 दमोह से 1, वार्ड नंबर 5 पीएस दमोह से 1 मरीज, हिंडोरिया वार्ड नंबर 11 से 1, हिंडोरिया वार्ड नंबर 6 दमोह से 1, तेंदुघोड़ा से 1 मरीज, वार्ड नंबर 9 दमोह से 2 मरीज, सिविल वार्ड नंबर 7 दमोह से 1, क्रिश्चियन कॉलोनी दमोह से 1, बेलाताल दमोह से 1, वर्धा से 1, बांसा से 3 मरीज, सिविल वार्ड नंबर 3 से 1 मरीज, पलंदी चौराहा से 1 मरीज, रेलवे स्टेशन दमोह से 3, शिवरामपुर से 1, जबेरा से 1, जलहरी थाना से 1 मरीज, जबेरा से 2 मरीज, सिविल वार्ड नंबर 2 दमोह से 3 मरीज, वार्ड नंबर 2 हिंडोरिया से 1, टाइम्स कॉलेज दमोह से 1, श्याम नगर दमोह से 1, प्रधानमंत्री आवास योजना दमोह से 1, सिविल वार्ड नंबर 7 दमोह से 2, वैशाली नगर दमोह से 1, 3 गुल्ली से 1, सुना आवाज दमोह से 1, सुरेखा कॉलोनी दमोह से 2, सिविल वार्ड नंबर 2 बेलाताल, सिविल वार्ड नंबर 2 बेलाताल से 1, रायपुरा से 1, इमलाई से 1, विजयनगर दमोह से 1 मरीज सामने आया है। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तुलसा ठाकुर ने दी। रूपा कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस सभी कंपनियों के लैपटॉप कंप्यूटर प्रिंटर के विक्रेता एवं सुधारक, पता न्यू मानस भवन जिला अस्पताल के सामने।